हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्लड लाइट के बारे में, बी ग्रेड फ्लड लाइट के बारे में। जैसा कि आपको आपने हमारी जो पहली वीडियो देखी होगी, जो ए ग्रेड A1+ की जो फ्लड लाइट थी, जो बहुत ही हैवी क्वालिटी की फ्लड लाइट थी HPF ड्राइवर में, तो उसके बारे में पूरा रिव्यू आपको उस वीडियो में बताया गया है। अब हमने उसमें बताया गया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बी ग्रेड के बारे में, जो दूसरी फ्लड लाइट होती है जिसमें हमारी कंपनी डीलिंग करती है, तो उस फ्लड लाइट को हम टेस्ट करके बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे एनालाइजर मशीन है और ये ही हमारी फ्लड लाइट है बी ग्रेड की। इसमें जो फ्लड लाइट की जैसे डिफरेंट की बात करें, तो डिफरेंट क्या है इसमें कि इसकी जो बॉडी है वो फाइबर की बॉडी है, पर इसकी जो क्वालिटी है HPF ड्राइवर ही, पर इसकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी कोई हल्की क्वालिटी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो हीट सिंक है वो इस प्रकार, इसमें हीट सिंक लगाई गई है कि जो MCPCB हीट होगी वो इसके ऊपर हीट हो जाएगी, तो इसकी भी क्वालिटी ठीक है, पर जो वो क्वालिटी उसके मुताबिक नहीं है। जैसा बताएं, अगर जिसके पास कम अमाउंट है तो वो इस फ्लड लाइट में डीलिंग कर सकता है, क्वालिटी इसकी भी बेस्ट है। ये बी ग्रेड फ्लड लाइट देखिए, क्योंकि जो हम क्वालिटी अगर अप्रूव करते हैं वो कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से बात करते हैं कि कस्टमर को हमने सेल किया, कस्टमर का फीडबैक क्या आ रहा है इस फ्लड लाइट के बारे में, तो इस प्रकार हम उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी भी क्वालिटी बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो हमारी फ्लड लाइट है इसमें हमने जो हीट सिंक है वो LED में ऊपर से लगी हुई है, तो उसकी जो हीट होती है इसके ऊपर वो हो जाती है, पर इसकी जो ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की इसकी लाइफ थोड़ी कम है, तो इस प्रकार इसको बी ग्रेड नाम दिया गया है। तो हम इसको भी स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिए। हम पूरी फ्लड लाइट जैसे 50, ये हमारे पास इसमें क्वालिटी में कौन सी फ्लड लाइट है, ये 50 वाट, 100 वाट और 200 वाट में फ्लड लाइट अवेलेबल है, तो आप हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको ये फ्लड लाइट अगर परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी के नंबर मिल जाएंगे, और मैं वीडियो में अभी आपको बोल देता हूँ कस्टमर केयर नंबर है हमारी कंपनी का 8269233078, तो आप इस पर कॉल करके इसकी जानकारी और ऑर्डर्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस पे आप अपना ब्रांड चाहते हैं तो आपका ब्रांड भी प्रिंट करके दे दिया जाएगा, पर उसके लिए आपको क्वांटिटी देनी पड़ेगी। तो हम चेक करें, तो इसके हम 100 वाट, इसमें पहले हम 50 वाट को इसमें चेक करते हैं, तो जिस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके भी अर्थिंग एंड न्यूटन एंड फेयर्स का इसमें वायर है, इसको भी हम लगा के चेक करते हैं। तो इसके हम वोल्टेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फ्लड लाइट मैंने चालू कर दी है, अभी ये 200 वोल्टेज पे वर्क कर रही है, तो इसका जो वोल्टेज निकल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें आपको 40 वोल्टेज के समथिंग ही निकल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 वोल्टेज के समथिंग निकल रहा है वोल्टेज के हिसाब से, तो अब इसको हम लो वोल्टेज पे कहाँ ले जाते हैं कि ये लो वोल्टेज में कितने तक वर्क करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपनी 150 वोल्टेज से डाउन हो गई है, फिर भी ये ब्राइट कर रही है, तो इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं ये कितने वोल्टेज तक ये काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वोल्टेज की बात करें तो ये 100 से डाउन, 100 वोल्टेज से इसको डाउन करते हैं तो ये ब्लिंकिंग करना चालू कर जाती है। तो इसकी जो कैपेसिटी बात करें तो ये न्यूनतम अपनी बात करें तो इसको 120 वोल्टेज से लेकर अब अधिक वोल्टेज तक हम चेक करते हैं कि कितने तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राइट करेगी। तो हमने ये पहुंचा दी है 280 वोल्टेज तक, तो अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसको हम 120 से लेकर 280 वोल्टेज तक बिल्कुल अच्छी फ्लड लाइट बोल सकते हैं, जो सामने को स्पेसिफिकेशन बताने के लिए कि इसकी जो वोल्टेज की जो कैपेसिटी है वो 120 से लेकर 280 तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम का इशू नहीं है। अगर उससे हाई वोल्टेज रहती है तो इसका स्पीड ड्राइवर पे और इसकी LED पर इफेक्ट पड़ सकता है, पर इसकी जो वोल्टेज की बात करें उतने से लेकर इतने तक कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसकी जैसे बात करें, वो जो फ्लड लाइट थी उससे अपनी ये थोड़ी लो वोल्टेज में ये ब्राइट कर रही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इसकी बात करें नेक्स्ट फ्लड लाइट की, तो इसको हम हटा के दूसरे फ्लड लाइट को चेक करते हैं।
तो ये हमने कर दी 50 वाट की साइड में। एक बार रिव्यू आपको दिखा देते हैं साइड से कैसा इसका डिज़ाइन है। हीट सिंक ये रहा एंड ये हैंडल है एंड आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है ये क्वालिटी है। ठीक है, अब 100 वाट को हम लेते हैं। ये है 100 वाट की फ्लड लाइट। 100 वाट की फ्लड लाइट की बात करें इसी प्रकार इसमें भी हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक आप देख सकते हैं कितनी हैवी है हीट सिंक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी लाइफ का। तो इसी प्रकार इसको भी हम टेस्ट करते हैं, इसको भी हम लगाते हैं। इसको भी हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हम करते हैं चालू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हो गई ब्राइटनेस। इसकी अगर वोल्टेज की बात करें तो अभी ये वोल्टेज 70 वोल्टेज तक एब्जर्व कर रहा है, और ये वोल्टेज जो ले रहा है वो अपना 195 वोल्टेज ये इसमें ले रहा है। अब इसको हम वोल्टेज लो वोल्टेज पर ले जाते हैं कि अपना ये कितने वोल्टेज तक वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने 100 वोल्टेज से नीचे पहुँचाया तो ब्राइट करना ये बंद हो गई है। अब इसको थोड़ा वोल्टेज हाई करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसको भी बात करें 120 वोल्टेज ये चल रहा है। 120 वोल्टेज पर ये ब्राइट कर रही है। ठीक है, तो 120 वोल्टेज पर ये ब्राइट कर रही है। अब इसकी कैपेसिटी बात करें तो इसी प्रकार सेम वही सेम जो 50 वाट की फ्लड लाइट थी सेम वही प्रकार की वो ब्राइट कर रही है। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था जो फर्स्ट वीडियो उसमें क्या बताया था कि ये जो फ्लड लाइट होती है 50-50 वाट के ड्राइवर से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो जिस प्रकार वो 50 वाट थी सेम वो ही ड्राइवर से इस चीज़ को बनाया गया है। तो इसमें जैसे 100 वाट है तो अपने ये दो ड्राइवर इसमें लगे हुए हैं, MCPC भी डबल हो गई है। इसी प्रकार 200 वाट में ये चार ड्राइवर लगे होंगे। तो इसी प्रकार सेम वही कंडीशन पे ये ब्राइट कर रही है। जैसे अगर क्वालिटी की बात करें इसमें मार्केट में 1 ईयर गारंटी में आराम से आप सेल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट रह गया 200 वाट का, उसको भी हम टेस्ट करके बताते हैं। अब ये रह गया है हमारा लास्ट प्रोडक्ट। इसकी बात करें इसमें भी हीट सिंक है, इसकी हीट सिंक ब्लैक कर दी गई है और क्वालिटी आप देख सकते हैं हैंडल बहुत ही मजबूत हैंडल इसका बनाया गया है क्योंकि भेंट बहुत आई है तो इसी प्रकार इसका हैंडल बनाया गया है। इसको भी चालू कर दिया है। अब इसकी वोल्टेज की बात करें तो कितना ये वोल्टेज ले रहा है, अभी ये 199 वोल्टेज ले रहा है। बाकी की वोल्टेज की बात करें तो अभी ये 103 पर ले रहा है। जैसी हीट होती जाएगी इस वजह से इसके वोल्टेज बढ़ते जाएंगे और वोल्टेज हाई आएंगे आएंगे तो इस प्रकार उसके वोल्टेज भी एब्जर्व करती जाएगी। जैसा मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में कि जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज पर भी डिपेंड होती है। जिस प्रकार अपनी वोल्टेज बढ़ेंगे उसी प्रकार ये बोर्ड एब्जर्व करेगी। तो इसको हम लो वोल्टेज पर ले जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही है जिस प्रकार 50 वाट थी 100 वाट थी, क्योंकि सेम वही तरीके से वर्क करेगी क्योंकि ड्राइवर सेम ही है, MCPC भी सेम ही है। सिर्फ उसके कंबाइन कर दिए प्लस कर दिए कि 50 वाट का ड्राइवर होता है तो 200 वाट की बनानी है तो दो ड्राइवर लगा दिए, 2 MCPC भी 200 वाट की हो गई तो चार ड्राइवर लगा दिए तो सेम वही वर्क करेगी। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 120 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज तक कोई इसमें वो नहीं है, अच्छी तरीके से ब्राइट करेगी। बाकी अगर 120 वोल्टेज से डाउन होती है तो इसलिए जलना बंद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में यही नॉर्मली आपको बताना था। बाकी की इस चीज़ को परचेज करना है तो आपको टाइटल में नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी अगर ऑनलाइन बुकिंग करनी है या आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी का आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सत्यम LED LightingIndustry.com, तो वहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जितने भी हाई वोल्टेज के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी एनालाइजर मशीन से टेस्टेड किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार आपको 50 वाट 100 वाट 200 वाट टेस्ट करके बताया, और फर्स्ट वीडियो में आपको 50 वाट
150 वाट, 100 वाट, 200 वाट पूरा टेस्ट करके बताया। तो ये है बी ग्रेड फ्लडलाइट और वो थी आपकी ए ग्रेड फ्लडलाइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसको हम एनालाइजर मशीन से टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आपको थोड़ा नॉलेजेबल मिला होगा और फ्लडलाइट की स्पेसिफिकेशन आपको पता चली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।